मैंने आपकी एक किताब देखी है प्रकाश जी, मैं उससे एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जी, आपने क्रिकेट को लेकर के एक किताब लिखी है। हाँ, क्रिकेट नवे देश दो। उदाहरण मैं आपको देता हूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर कोई बैट्समैन है, बढ़िया बैट्समैन है, तो उसको कहता है भाई तुम खाली बैटिंग करो, अगर तुमको बॉलिंग नहीं आता है तो बॉलिंग मत करो। बहुत इक्के दुक्के होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, लेकिन बैट्समैन का सिलेक्शन बैटिंग के जोन में ही होता है। भाई 1 2 3 तुम टॉप बैट्समैन हो, तुम छक्का चौका मारने वाले हो, स्लो खेलने वाले हो, तो बैट्समैन को बैटिंग करवाई जाती है। बॉलर से बॉलर जिसकी जो यूएसपी है उस पर काम करने के लिए कहा जाता है। हमारे भारत की यूएसपी अगर ये है कि हमारे यहाँ सारे मौसम मौजूद हैं, हमारे यहाँ दुनिया की सारी किस्म की मिट्टी मौजूद है, हमारे यहाँ हर तरह की खेती हो सकती है, हर अरे तरह सूरज उपलब्ध है, सूरज उपलब्ध है। सबसे मेन बात ये बात ध्यान में रखो, 12 महीने गिरने वाला सूर्य, बिना सूरज से खेती नहीं हो सकती। पहली बात, हमारे ही देश ऐसा कि इसीलिए हमको सूर्यवंशी कहते हैं, एक बात समझो। सूर्यवंशी हैं, सूर्य सबसे ज्यादा मिलता है, कहीं कहीं तो 24 घंटे का। इस पृथ्वी पर ऐसे भी देश हैं जहां 24 घंटे भी सूर्य का ये नहीं मिलता है, मतलब उनके दिन रात का भी फर्क बहुत कम हो जाता है, बाकी तो नहीं मिलता है। जो ठंडा प्रदेश है उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत का जो 70 साल का ये यूएसपी होना चाहिए था कि अपने एग्रेरियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाता, उसके हिसाब से इंडस्ट्री प्लान की जाती और हमारा जो कृषि उद्योग है वो बढ़ रहा होता, तो 75 साल में हम सेल्फ सफिशिएंट होते और हमारे यहाँ लोग आते उसका अध्ययन करने के लिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो, सेल्फ सफिशिएंट हम पहले से थे, इन लोगों के नीतियों के कारण हमारे जो खेती थी वो सेल्फ सफिशिएंट के बजाय परावलंबी हो गई। पहली बात एक समझिए, हम लोग कोई किसान हमारा ये नहीं था, इसको सारी परंपरागत उसको नॉलेज थी और बहुत अच्छी तरह से खेती हमारे देश के अंदर होती थी। ये तो ये नालायक है कि इन्होंने पैसे के कारण हमारे उर्वर जमीन की उर्वरकों को खत्म कर दिया, हमारे देश के अंदर ये जहर बोया, उसके बाद में किसान को कमजोर कर दिया, नहीं तो सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी बोला जाता था इसको। तो ये अभी ऐसा लाचार हो गया किसान। देखिए फोटो फोटो बता रहे आप किस तरीके से, माए बाप देख रहा है, ऊपर देख रहा है कि अभी मुझे सरकार तो नहीं बचाती, भगवान ऊपर की तरफ देख रहा है वो किसान। तो इस तरीके से क्यों होगा? क्योंकि सरकार की नीति निर्धारण एकदम गलत तरीके से है और ये सारे के सारे इनके पीछे बिक गए हैं। जब जैसा कि अभी बिक गए हैं, अभी देखिए ना, अभी देश के अंदर अभी ये फोर्टिफाइड राइस ला रहे हैं नालायक। क्या जरूरत है ये फोर्टिफाइड राइस लाने का? मतलब क्या है? इनको इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में लोगों को भी देना है, खुद भी पैसा कमाना है। जिस तरीके से फर्टिलाइजर की इंपोर्ट में 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ के अंदर 10% 20% भी खा लिए तो कितना पैसा मिलता है, तो इनको ये इससे मतलब है। तो अभी भी ये राइस खरीदेंगे, फर्टिफाइड राइस देंगे, वो क्या बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक देंगे, ये सारा का सारा नालायकपना का नतीजा है, एक बार समझिए उसको।